ओके, वेलकम यू ऑल। वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन लेक्चर ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिजाइनिंग मेथोडोलॉजी, सिलेक्शंस, साइट सिलेक्शंस फॉर द टावर स्ट्रक्चर, सिलेक्शन ऑफ कंडक्टर साइज, इंसुलेटिंग रिक्वायरमेंट and all these things. So let us start here. This is the introduction about the transmission lines, high voltage transmission lines. Electrical power system has three principal divisions: generating, transmission and distributions. The transmission lines of 765 kilovolt, 500 kilovolt, 345 kilovolt and 230 kilovolt and 130 kilovolt are available in India. The spacing between the two towers is generally nearly equals to 300 meters to 350 meters. All generating stations are located away from the load center. Therefore, it is necessary to increase the voltage. The first reason is to increase the efficiency, and the load is available at 440 kilovolt, 440 volt to 11 kV 3-phase supply. This is the single line diagram of the generating stations to load center. The generating voltage is 11 kV volt. Then it is step up by using step up transformer up to 132 kV or 220 kV volt. This is the primary transmissions. Then that high voltage again step down by using step down transformer. Then again step down up to consumer level 11 kilo volt and 440 volt. Electrical power transmission engineer, this refer to equipment designed for more than 350 kilovolt between the conductors. Two factor consider in classification of the high voltage: possibility of the spark in air and danger of the electric shock by contact. The meaning of this sentence: the jo air hota hai, एयर ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू हाई वोल्टेज. सो देयरफॉर व्हाइल डिजाइनिंग द ट्रांसमिशन लाइन वी हैव टू कंसीडर द एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एज वेल एज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड कंडक्टर. ओके, दिस आर द वोल्टेज रेंज अवेलेबल इन इंडिया. एक्स्ट्रा लो वोल्टेज, ओके, दैट इज 70 वोल्ट. Then low voltage up to 1000 volt, medium voltage 1000 to 35 kV, and high voltage start from 35 kV to 220 kV high voltage, and then extra high voltage start from 230 kilo volt, and ultra high voltage is 765 800 kilo volt. और अभी एक लॉन्च हुई है 1200 किलो होल्ड अपने इंडिया में, जो कि सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन है. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू प्लानिंग फॉर द ट्रांसमिशन लाइन. तो सबसे पहले डेटा आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, टेक्निकल इवोल्यूशन आपके पास में होना चाहिए, इकोनॉमिक इवोल्यूशन होना चाहिए, and the most important factor is environmental impact assessment. Okay, because while designing the transmission line, the most important factor is the losses. The losses of the transmission line can be reduced by considering power factor, inductance of the line, capacitance of the line, then GMD and GMR, that is geometric
मीन रेडियस एंड जियोमेट्रिक मीन डायमीटर, ये दोनों भी पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और टू रिड्यूस द इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है. अभी आप लोग देख सकते हो जो नए ट्रांसमिशन लाइन जो है उसमें तीनों भी कंडक्टर के बीच में इक्वल स्पेसिंग है. ओके, इक्वल स्पेसिंग मींस फॉर एग्जांपल आर और बी के बीच में भी मान लीजिए 2 मीटर है तो सभी इसमें 2 मीटर ही होना चाहिए. तो उसके लिए सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है जो आर जो है वो मिडल में होता है, देन उसके साइड में राइट साइड में कंडक्टर और लेफ्ट साइड में इक्वल डिस्टेंस पे. ओके, उससे क्या होता है कि जो आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रांसमिशन लाइंस में इंडक्टेंस क्रिएट होता है ड्यू टू अनइक्वल स्पेसिंग्स. ओके, सो वी हैव टू कंसीडर ऑल दिस पैरामीटर्स. ओके, सो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? इंक्रीज द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी. सबसे बड़ा आप लोगों का यहाँ पे एम जो है दैट इज यू हैव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. हाँ, देन डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर. व्हाई? बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर देन ऑब्वियसली वेट ऑफ द कंडक्टर विल बी रिड्यूसेस. और वेट कंडक्टर का वेट यदि कम हो गया तो हमें जो कंडक्टर कॉस्ट है वो कम लगेगा. और सेकेंड पैरामीटर इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू आर गोइंग टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर then obviously the weight of the conductor will be reduces and the sag producing between the two conductor will be also less. Sag jo hai wo kam hoga. The third one is increase the transmission capacity. Increase the transmission capacity. Transmission capacity jo hai wo improve karna hai. That is also one of the most important need while designing the transmission line. Economical to interconnect the power system on a large scale. Interconnections जो करते हैं हम लोग वो economical होना चाहिए. Number of circuits and the land required should be a less. कई बार ये होता है कि देखिए सभी जो और generating station जो है महाराष्ट्र में they are located in Vidarbha region because while selecting the site selection for the generating station the most important parameter is fuel aur jo fuel hota hai that is available in the Vidarbha region that is Chandrapur aur Koradi aur yahan pe hi hai Chandrapur mein hai most of the so therefore all the generating stations are in Vidarbha but load center jo hai all over Maharashtra mein aur most of the load centers are available in the बॉम्बे साइड बॉम्बे और पुणा यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगता है तो देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू ट्रांसमिट दिस इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम विदर्भ टू पुणे एंड बॉम्बे रीजन द डिस्टेंस इज नियरली इक्वल्स टू 800 किलोमीटर एंड मोर देन इट तो जब हम लोग यहाँ से इतना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं तो लॉसेस होने वाले हैं एंड टू रिड्यूस द लॉसेस वी आर गोइंग टू यूज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन देन उसके बाद में नंबर ऑफ सर्किट जो है वो कम होना चाहिए और लैंड रिक्वायरमेंट जो होना चाहिए कम होना चाहिए बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रिकल कंपनी इज गोइंग टू बी यूज देयर लैंड ऑफ द फार्मर्स लैंड तो उन लोगों को कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है ठीक है तो ये सब बचाने के लिए लैंड रिक्वायरमेंट कम होना चाहिए नंबर ऑफ सर्किट कम होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन द फर्स्ट वन इज द कंडक्टर अर्थ वायर इंसुलेटर एंड ट्रांसमिशन टावर ये चार बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ट्रांसमिशन लाइन के देन नाउ यू कैन सी ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये 132 केवी या 220 केवी की हो सकती है फ्रॉम द माय नॉलेज अब यहां पे आप लोग देख सकते हो कि ये अनसिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन है अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है दैट मींस व्हाट यदि हम लोग देखेंगे तो ऊपर का फेज जो है आर है बीच वाला जो फेज है वो बी है और नीचे वाला आर वाई बी इनसे अलग अलग फेज आर वाई बी है तो आप लोग देख सकते हो आर और वाई के बीच में आर और वाई के बीच में मान लीजिए 2 मीटर डिस्टेंस है बट आर और बी के बीच में आर वाई बी आर और बी के बीच में यहाँ पे 4 मीटर हो रहा है दैट मीन्स व्हाट स्पेसिंग बिटवीन द टू कंडक्टर इज नॉट सिमेट्रिकल देयरफॉर देयर विल बी अ डिफरेंट इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द ट्रांसमिशन लाइन देयरफॉर आवर सिस्टम विल बी नॉट बैलेंस जो सिस्टम होता है वो बैलेंस नहीं होता है देयरफॉर
to make system again balance, we have to use transpositions of conductor. Transposition of the conductor means क्या करना होता है, इक्वल डिस्टेंस पे सम पर्टिकुलर डिस्टेंस पे स्पेसिंग ऑफ द और बट यू कैन से पोजिशन ऑफ द कंडक्टर चेंज होती है, चेंज करनी पड़ती है. मीन्स पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस के बाद में आर वाई भी है तो वो अलग किया जाएगा. आर वाई भी है तो आर बी आर किया जाए, आर बी वाई किया जाएगा. तो ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर होता है, आप लोगों ने पावर सिस्टम में सुना होगा. बट नए टावर जो आ रहे हैं दैट इज सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन. सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, तीन ही कंडक्टर होते हैं और तीनों भी कंडक्टर इक्वल स्पेसिंग पे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अर्थ वायर जो होता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन अ ट्रांसमिशन लाइन. क्रॉस आर्म देखिए आप लोग यहाँ पे, क्रॉस आर्म जो है, और हम लोग यहाँ पे एक बात देख सकते हैं कि इंडक्शन इफेक्ट होता है. डिस्टेंस जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 10 फीट से 12 फीट तक होना चाहिए 132 केवी के लिए. ठीक है, देन कंडक्टर यहाँ पे यूज किया है, इंसुलेटर यहाँ पे यूज किया है. टावर की हाइट जो होती है वो डिपेंडिंग अपॉन द, एक फॉर्मूला बताऊंगा आप लोगों को, वो फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं. डैम्पर होता है, क्रॉस आर्म होता है, एंड द स्पेसेस देखिए यहाँ पे, ये जो स्पेसेस दिख रहे हैं ये बंडल कंडक्टर होते हैं. आप लोगों ने एक पॉइंट वहां पे सुना होगा कि द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट बी अ मोर. तो वॉल्यूम ज्यादा नहीं होना चाहिए तो फिर हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ज्यादा होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा चाहिए. तो यहाँ पे बंडल कंडक्टर यूज करते हैं. ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन का एक व्यू था. डिजाइनिंग मेथोडोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा and gathering available climate conditions. Okay. सबसे पहले क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम चंद्रपुर टू बॉम्बे देन वी हैव टू कलेक्ट ऑल प्राइमरी डेटा दैट इज वॉट विल बी द लोड रिक्वायरमेंट, हमें कौन सी पावर यहाँ पे लाइन डिजाइन करनी है. एंड द सेकेंड थिंग इज क्लाइमेट कंडीशंस. कई बार क्या होता है कि चंद्रपुर टू बॉम्बे हमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए जो ग्राउंड लेवल जो है दैट इज नॉट अ सेम. समटाइम्स देयर विल बी अ सम हिली एरियाज, कुठे डोंगर येतील, कुठे नदी येईल, कुठे काय येईल, कुठे कोस्टल एरियाज येईल. कोस्टल एरियाज म्हणजे समुद्र किनारे जे आहेत. तो ये भी बहुत इम्पॉर्टंट पॅरामीटर है बिकॉज व्हाइल डिझायनिंग द कंडक्टर the conductor behavior will be a different for different climate conditions. Okay, क्योंकि जब coastal areas जो होता है वहां पे humidity ज्यादा होती है तो उससे क्या होता है कि humidity ज्यादा होने की वजह से moisture content in a atmosphere will is more, और वो moisture content क्या करता है, dielectric strain कम करता है. therefore primary collection data and climate conditions data is very important. ओके, कैलकुलेटिंग क्लाइमेटिक लोडिंग ऑन कंपोनेंट्स, वही बोला मैंने अभी आप लोगों को कि जैसे कोस्टल एरिया जो होता है वहां पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होते हैं, ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट द डायलेक्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर विल बी रिड्यूसेस. कैलकुलेटिंग लोड अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रिक्वायरमेंट, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड समटाइम्स इन हिली एरियाज जो होते हैं, हिली एरियाज में क्या होता है कि एक टावर नीचे होता है और दूसरा टावर ऊपर होता है, तो सैग जो होता है जनरली फॉर द ग्राउंड लेवल, जो लेवल ग्राउंड जो होती है, नॉर्मल ग्राउंड जो होती है, जैसे इसमें सपाट चला बन तो अपन प्लेन ग्राउंड जो होती है, प्लेन ग्राउंड में सैग कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मिडल ऑफ द स्पैन. मान लीजिए 300 मीटर स्पैन है, 300 स्पैन मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल इज 300 मीटर, देन द सैग विल बी अ सैग पॉइंट इज अप टू 150 मीटर टू 160 मीटर प्लेन ग्राउंड के लिए. बट जहां पे हिली एरियाज है, हिली एरियाज में क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी द सैग विल बी अ डिफरेंट. कई बार क्या होगा कि मान लीजिए एक पुल नीचे है एक पुल ऊपर है, तो सैग जो प्रोड्यूस होगा, सैग पॉइंट जो है वो मिडल नहीं होगा. सो देयरफॉर द टेंशन विल बी अ डिफरेंट
एंड क्लियरेंस जो होता है, ग्राउंड क्लियरेंस वो बहुत ही कम हो जाता है, कुछ जगह पे बहुत कम होता है और कुछ जगह पे ज्यादा होता है. बट व्हाट वी रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म क्लियरेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड कंडक्टर. सो इन सच अ कंडीशंस वी हैव टू कैलकुलेट द लोड अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रिक्वायरमेंट. एंड समटाइम्स फॉरेस्ट में से ट्रांसमिशन लाइन लेके जाना है तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. आप लोग सोच सकते हो कि आप लोगों को लगता होगा कि डिस्टेंस जो है ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड क्लियरेंस जो होता है टावर का वो 40 फीट होता है. चलो ठीक है, आई एग्री 40 फीट होता है, बट ड्यू टू सैग, सैग के वजह से क्या होता है, कंडक्टर जो है वो कोई ट्रांसमिशन लाइन, सॉरी कोई पेड़ है, कोई ये है, उसके 10 फीट दूर रहते हैं. नॉर्मल कंडीशन में कुछ नहीं होगा, बट जब लाइटनिंग स्ट्रोक होता है, लाइटनिंग स्ट्रोक होता है तो वो जो गैप है दैट बिकम आयोनाइज और वहां पे स्पार्क होके शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत रहते हैं. देयरफॉर बिफोर द मानसून देयर इज अ मानसून मेंटेनेंस फॉर ऑल ट्रांसमिशन लाइंस. आप लोगों को लग रहा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन की जब ट्री कटिंग की जाती है तो बहुत इजीली होती है. नहीं, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज व्हाइल कटिंग द ट्रीज यू हैव टू वियर अ इंसुलेटिंग क्लॉथ्स, इंसुलेटिंग ड्रेस आप लोगों को पहनना पड़ता है, तब जाके वो ट्री कटिंग की जाती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लो वोल्टेज ट्रांसमिशन, लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज. एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में जो होता है 10 फीट से ही कैच कर लेता है. ओके, और रेनी सीजन में ऐसे चांसेस ज्यादा होते हैं. सिलेक्टिंग करेक्टिव फैक्टर्स, डिजाइनिंग द कंपोनेंट्स फॉर द अबव लोड्स एंड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट, कंटिन्यूअस करंट रेटिंग, शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग, वोल्टेज ड्रॉप, पावर लॉस, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द लाइन. ओके, ऑल दिस पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट. Selection of the transmission voltage. Now, standard voltage are in India 66 kV, 132, 220 and 400 kilovolt. 110 kV की बहुत ही कम जगह पे है, but जो standard voltage जो है 66, 132, 220, 400 की भी और 765 की है, और कुछ कुछ ही जगह पे 765 है और अभी नहीं है कि इंस्टॉल होने जा रही है, दैट इज 1200 किलोवोल्ट. सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इकोनॉमिक वोल्टेज, लेंथ ऑफ द लाइन, वोल्टेज रेगुलेशन, पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन, इनिशियल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट. इनिशियल मींस टू इरेक्ट ऑल दिस ट्रांसमिशन लाइन, हाउ मच कॉस्ट इज रिक्वायर्ड एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट. ऑपरेटिंग कॉस्ट में सभी चीजें आते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी होता है, लेंथ ऑफ लाइन. ओके, बिकॉज इंडक्टेंस ऑफ द लाइन इज डिपेंड अपॉन द लेंथ. वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन मींस वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहा है ड्यू टू ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस और लॉसेस, ये सभी बातें आप लोग को कंसिडर करें. इकोनॉमिक वोल्टेज द ट्रांसमिशन लाइन, बहुत यहाँ पे सिस्टमेटिक फॉर्मूला दिया है, एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला है. फॉर्मूला इज 5.5 रूट लेंथ इन किलोमीटर बाय 1.61 प्लस लोड इन केवीए डिवाइडेड बाय 150. सो यहाँ पे देखिए कुछ स्टैंडर्ड रेटिंग के हिसाब से पावर इन मेगावाट जो डिस्टेंस दिया है, और ये टेबल आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आएगा. इफ यू आर 3500 मेगावाट ट्रांसमिशन लाइन, इफ द डिस्टेंस इज 500, देन 765 किलो वोल्ट will be economical. I am talking about the economical. हम लोग कोई भी कर सकते हैं, but what we require? Economical voltage for the transmission line. For 500 megawatt, 400 kilovolt, 400 volt distance है, तो 400 kilovolt is economical. 120 megawatt है, तो 150 distance, 220 kilovolt.
50 किलोमीटर डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, 80 मेगावाट है, तो 132 किलो होल्ड दैट विल बी अ इकोनॉमिकल. सो इन दिस वे इन लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट विच पैरामीटर वी हैव टू कंसिडर वाइल डिजाइनिंग द ट्रांसमिशन लाइन एंड सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग मेथोडोलॉजीज एंड टिपिकल व्यू ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द बेसिक डिजाइनिंग कंसेप्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड द इकोनॉमिकल वोल्टेज. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर टॉपिक. Thank you very much.